नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया क्विज सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे सेकंड प्रेस कमीशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर। इस सीरीज़ की इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट प्रेस कमीशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय प्रेस आयोग के बारे में और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद प्रेस की स्थिति का आकलन करने के लिए, उसकी दशा और दिशा के बारे में बात करने के लिए प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया। लेकिन थोड़े समय के बाद, जैसा कि हमने कहा, 1952 में फर्स्ट प्रेस कमीशन का गठन किया गया। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया, लेकिन कुछ समय के बाद ज़रूरत पड़ी एक सेकेंड प्रेस कमीशन की। प्रेस की स्थिति का, तत्कालीन जो प्रेस की सिचुएशन थी, स्थिति थी, उसका आकलन करने के लिए, आगे का रास्ता तय करने के लिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो समय के साथ कई चीज़ें परिवर्तित होती हैं, और इसी के मद्देनज़र प्रेस के नियम, कायदे, कानून बदलने की ज़रूरत थी, उनकी एक समीक्षा करने की ज़रूरत थी। इसी मकसद से प्रेस कमीशन का गठन किया गया, सेकेंड प्रेस कमीशन का गठन किया गया। तो हमारा पहला सवाल इस क्विज़ का है कि सेकंड प्रेस कमीशन का गठन कब किया गया। When was the second प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया constituted? यानी कब उसका गठन किया गया, और इसका सही आंसर है 29 मई 1978 को द्वितीय प्रेस आयोग का गठन किया गया। और किस उद्देश्य से किया गया, ये हमने चर्चा आपके साथ की कि प्रेस की जो तत्कालीन जो हालात थे, स्थिति थी, उस समय क्या समस्याएँ, क्या चुनौतियाँ सामने थी प्रेस के, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या अच्छे सुझाव हो सकते हैं, इस उद्देश्य से इसका गठन किया गया। देन हमारा अगला प्रश्न है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंड प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया। द्वितीय प्रेस आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर है जस्टिस पी सी गोस्वामी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, उनको सेकेंड प्रेस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन उस वक्त राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी हलचल थी, इलेक्शन होने थे, नई सरकार का गठन किया जाना था, तो इन बिटवीन ये आयोग काम नहीं कर पाया जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। तो जस्टिस पी सी गोस्वामी जी ने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन जस्टिस पी सी गोस्वामी रिजाइन फ्रॉम द चेयरमैनशिप ऑफ सेकेंड प्रेस कमीशन, यानी द्वितीय प्रेस आयोग के चेयरमैन पद से जस्टिस पी सी गोस्वामी ने कब त्यागपत्र दिया। जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी हलचल थी, इलेक्शन होने थे, तो उस वजह से कुछ तकनीकी कारण ऐसे थे कि आयोग आगे काम नहीं कर पाया और इसके चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। तो आपको बताना है कि जस्टिस पी सी गोस्वामी ने कब अपने पद से त्यागपत्र दिया, और इसका सही आंसर है 14 जनवरी 1980, यानी लगभग दो साल बाद। जैसे हमने कहा, मई 1978 में इसका गठन किया गया, लेकिन जनवरी 1980 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इलेक्शन हुए, नई सरकार बनी, और नई सरकार ने दोबारा सेकंड प्रेस कमीशन का गठन किया। तो हमारा सवाल है, व्हेन वाज द सेकंड प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यानी उसका दोबारा गठन हुआ, पुनर्गठन उसका हुआ, लेकिन वो कब हुआ, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है 21 अप्रैल 1980, यानी इसी साल जब इस्तीफा दिया जस्टिस पी सी गोस्वामी ने जनवरी 1980 में, लेकिन इसके लगभग 3 महीने बाद द्वितीय प्रेस आयोग का पुनर्गठन भी किया गया। अब सवाल आता है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंड प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड सेकेंड टाइम, यानी दोबारा जो गठित किया गया द्वितीय प्रेस आयोग, उसके चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर है जस्टिस के मैथ्यू, ये भी रिटायर्ड जस्टिस थे, इनको चेयरमैन बनाया गया सेकेंड प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया का। अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, इन द सेकेंड प्रेस कमीशन हाउ मैनी अदर मेम्बर्स वर अपॉइंटेड बिसाइड द चेयरमैन, यानी द्वितीय प्रेस आयोग में चेयरमैन के अलावा और कितने सदस्य नियुक्त किए गए सेकंड प्रेस कमीशन में उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और इसका आंसर है 10। जैसे कि हमने पहले के कमीशन में डिस्कस किया, 10 सदस्यों की नियुक्ति की गई चेयरमैन के अलावा, प्रेस के विभिन्न मुद्दों पर एक चर्चा करने के लिए, मंथन करने के लिए। आइए अब एक और महत्वपूर्ण सवाल की ओर रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमारा सवाल है, हमारा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिकमेंडेड बाय द सेकेंड प्रेस कमीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स, यानी जो छोटे और मध्यम जो समाचार पत्र हैं, जिनका सर्कुलेशन काफ़ी कम है, जिनके पास पूंजी का भी अक्सर अभाव रहता है, उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनके विकास के लिए कौन से
संगठन को गठित करने की या ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की सलाह दी, सिफारिश की सेकंड प्रेस कमीशन ने, यह आपने आंसर देना है। बहुत ही ये बढ़िया रिकमेंडेशन थी, इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर छोटे एवं मध्यम जो समाचार पत्र हैं उनके लिए। तो इसका आंसर है न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कमीशन। जी हाँ, समाचार पत्र विकास आयोग। जी हाँ, प्रेस आयोग ने छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के प्रसार, प्रचार और विकास के लिए समाचार पत्र विकास आयोग यानी न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कमीशन के गठन का सुझाव दिया। सेकंड प्रेस कमीशन का ये मानना था कि समाचार पत्र विकास आयोग छोटे तथा मध्यम पत्रों को सस्ती दरों पर दूर मुद्रण सेवाएं उपलब्ध कराने, यानी जो प्रिंटिंग मशीनरी है वो उनको अवेलेबल करवाएगा, साथ ही समाचार पत्रों को जो न्यूज़ प्रिंट की दिक्कत रहती है उनकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, और साथ ही समाचार समितियों की जो दूर मुद्रण लाइनें हैं, प्रिंटिंग लाइन है, जिससे दूर दराज क्षेत्रों तक फैलाने और छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के छपाई एवं छापाखाना जो तकनीक है, जो प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है, उसका उन तक विस्तार होगा, उस तक उनकी पहुंच बढ़ेगी। इस प्रकार समाचार पत्र विकास आयोग छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ये मानना था सेकंड प्रेस कमीशन का, और इसी के मद्देनज़र उन्होंने न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कमीशन बनाने की सिफारिश की। इसके बाद रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। द सेकंड प्रेस कमीशन रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी द्वितीय प्रेस आयोग ने एक महत्वपूर्ण संगठन था मीडिया से जुड़ा, जिसके पुनर्गठन की बात कही। प्रेस आयोग ने कहा कि इस मीडिया संगठन का पुनर्गठन किया जाना चाहिए प्रेस जगत के अच्छे के लिए, उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए। तो आपको बताना है कौन सा वो संगठन, कौन सी वो संस्था थी, उसको पुनर्गठन करने की बात सेकंड प्रेस कमीशन ने कही। तो हमारा आंसर है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जी हाँ, PIB के पुनर्गठन की बात सेकंड प्रेस कमीशन ने कही। आयोग ने समाचार पत्र सूचना कार्यालय के पुनर्गठन की सिफारिश की, ताकि छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के हितों का ध्यान रखा जा सके। सेकंड प्रेस कमीशन का मानना था कि पत्र सूचना कार्यालय का स्वरूप सूचना एवं समाचार कार्यालय के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए, जो रात दिन कार्य करता रहे। इसकी सेवाएं जिला और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को बराबर मिलती रहें। यह कार्यालय इन पत्र पत्रिकाओं के प्रति उत्तरदायी रहे। आयोग का यह भी कहना था कि एक ऐसी सलाहकार समिति का गठन किया जाए जो समय समय पर इनके कार्यों का मूल्यांकन करती रहे और सुझाव देती रहे। तो PIB के पुनर्गठन की बात सेकंड प्रेस कमीशन ने कही, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन मानी जाती है। देन विच टू मेजर हिंदी लैंग्वेज न्यूज एजेंसीज वर फॉर्म्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड प्रेस कमीशन। प्रेस आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के एक प्रथम श्रेणी की समाचार समिति का गठन किया जाना चाहिए, और इसी के मद्देनज़र PTI और UNI दोनों ने अपनी एक हिंदी न्यूज़ सर्विस शुरू की, जिसमें UNI की अलग एक हिंदी न्यूज़ सर्विस थी और PTI की एक अलग हिंदी न्यूज़ सर्विस थी, जिसका आंसर आपको देना है कि वो कौन सी न्यूज़ एजेंसीज थी जिन्होंने अपनी हिंदी सर्विस शुरू की। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। यूनिवार्ता और भाषा। तो जैसा कि हमने कहा, PTI ने भाषा और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यानी UNI ने यूनिवार्ता, इन दोनों समाचार समितियों को हिंदी भाषा में शुरू किया, हिंदी भाषा के समाचार समितियां शुरू की। UNI ने 1 मई सन 1982 से हिंदी समाचार समिति यूनिवार्ता और PTI ने 18 अप्रैल 1986 से भाषा प्रारंभ की, और ये बहुत ही प्रतिष्ठित इन्हें माना जाता है समाचार जगत में। आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा कौन सा, अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाउ मैनी सेक्शंस वर देयर इन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द सेकंड प्रेस कमीशन। द्वितीय प्रेस आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट की, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया सरकार के सामने, उसके कितने खंड थे, उसके कितने भाग थे। द्वितीय प्रेस आयोग को विभिन्न विषयों पर अपने विचार करने थे, सुझाव देने थे, जिसमें विकासशील तथा प्रजातांत्रिक समाज में प्रेस की भूमिका क्या हो, प्रकाशकों, संपादकों, व्यवस्थापकों या व्यावसायिक पत्रकारों के बीच संबंध क्या हो, छोटे एवं मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों को कैसे अतिरिक्त संरक्षण दिया जाए, कैसे उनको बचाया जाए। तो बहुत सी ऐसी विषय थे जिन पर उनको बात करनी थी, तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट जो है विस्तृत होनी थी, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया है कि कितनी बड़ी वो रिपोर्ट थी, कितने उसके खंड थे। तो इसका सही आंसर है 8 sections and about 2,500 pages। तो इतनी विस्तृत रिपोर्ट सेकंड प्रेस कमीशन ने अपनी सबमिट की, जिसके 8 अलग अलग भाग थे, 8 हिस्सों में इसको सबमिट किया गया, और लगभग जिसके 2,500 पृष्ठ थे, पेजेस थे, जिनमें इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया और सरकार को सबमिट किया गया।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल सेकंड प्रेस कमीशन से जुड़े हमने डिस्कस किए मीडिया क्विज की इस वीडियो में। मीडिया से जुड़े, जर्नलिज्म से जुड़े अलग महत्वपूर्ण विषयों पर हम लगातार मीडिया क्विज सीरीज की वीडियो लेकर आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।